दोस्तों हम लोग नर्मदापुरम से नर्मदा जी के दर्शन करके और आए हैं यमुना जी के दर्शन करने वृंदावन में। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे यमुना जी दिखाई दे रही हैं, कलकल बहती हुई, हालांकि छोटा पाठ है और प्रदूषण दिखाई दे रहा है, पर यमुना जी की महत्ता इससे कम नहीं हो जाती। हमने दर्शन किए श्री बांके बिहारी जी के, यमुना जी के दर्शन करने यमुना जी के किनारे। तो आइए चलते हैं, पहले यमुना जी के दर्शन करते हैं क्योंकि शाम होने वाली है, यदि आरती हो रही होगी तो आरती में शामिल होंगे। पीछे जो गेट दिखाई दे रहा है ये बांके बिहारी जी का गेट है और उसके सामने से ही ये हम चल रहे हैं यमुना जी के लिए। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं यमुना जी के युगल घाट पर। कहा जाता है राधा कृष्ण ने विहार किया था इस घाट पर, इसलिए इसे जुगल घाट या युगल घाट के नाम से जाना जाता है। युगल घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। कितने पैसे लेते हैं आप घुमाने के? कितनी सवारी है आपकी? हैं? कितनी सवारी है? हम लोग 3 लोग हैं। बैठो, एक तो छोटा वाला चक्कर है, एक हाफ राउंड है, एक फुल है। हाफ राउंड का कितना पैसा लेते हैं? हाफ राउंड का पड़ेगा 650 रुपए तीनों का। 650? कहाँ कहाँ घुमाएंगे, कितनी दूर घुमाएंगे? यहाँ से जाएगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और फुल राउंड कितना होता है? फुल राउंड होता है 4 किलोमीटर का। उसका कितना पैसा लगता है? उसका लगता है 600 रुपए, 800 रुपए। 800 यार, 650 हाफ राउंड का कह रहा है और 600 रुपए कह रहा है फुल राउंड का। 800 रुपए फुल राउंड का। कितनी दूर ले जाते हैं? पर्सनल आपके लिए जाएगी। कितनी दूर ले जाते हैं उसके लिए? 20-25 सवारी जाती है। यहाँ पे बोट दिख रही है, वहाँ तक जाएगी। हैं? वहाँ तो जा रही है, वहाँ तक जाएगी बोट। अच्छा, जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जाएगी। मतलब आखिरी छोर तक निकलेगी? नहीं, मैं नहीं जाएगी। ओके, सवारी के हिसाब से कितना लेते हैं? 160 रुपए प्रति सवारी। और यदि अलग से ले जाते हैं 650 रुपए और 800 रुपए। अभी हम यमुना जी के केसी घाट पर हैं और ये सामने दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है। यह घाट केसी घाट है जहां भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक असुर का वध किया था, जो घोड़ा बनकर आया था भगवान को मारने। घाट है यमुना जी का? युगल घाट। युगल घाट है, इसे युगल घाट क्यों कहते हैं? युगल घाट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी संग में यहाँ विहार करते थे। अच्छा, इसलिए इसे युगल घाट। ठाकुर जी ने केसी नाम के दैत्य का जो घोड़ा बन के आया था उसका वध किया था, केसी नाम के दैत्य का, इसलिए वो केसी घाट है। वहाँ पे केसी नाम का दैत्य था, घोड़ा बन के आया था अस्तो। अच्छा, केसी नाम का था। अभी हमने यमुना जी के दर्शन किए और अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो वृंदावन का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।